हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है अनुपम फिनसर्व लिमिटेड। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार ही ज़िंदगी को जी रहे हैं और खुशहाल हैं, और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। और एक और ख़ास बात, मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि मेरा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी सलाह नहीं है, खरीद बिक्री करने का भी कोई भी सलाह मशवरा नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, अनुपम फिनसर्व लिमिटेड, इसका काम है बिजनेस जो है फाइनेंसिंग एंड लीजिंग, लीजिंग यानी पट्टा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये 1991 में निगमित किया गया है ये कंपनी को। तो इसका मार्केट कैप 23.6 करोड़, जो कि आज इसका शेयर प्राइस में उछाल आया था, जिसके वजह से मार्केट कैप बढ़ गया है, और करेंट प्राइस भी 2.04 पैसा, यानी कि 2.04 रुपया, बुक वैल्यू 1.27 रुपया, 52वीं का हाई लो 2.85 रुपया और 1.33 रुपया, स्टॉक पी 39.3, ROCE 9.07, ROE 6.74, फेस वैल्यू 1 रुपया। तो इसका बिजनेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। और आज इस शेयर में उछाल भी आया है लगभग 20% का, हाँ 20% का उछाल आया है आज। आगे देखते हैं दोस्तों, 1 ईयर का अगर चार्ट देखते हैं तो इस प्रकार है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चार्ट के अनुसार उछाल आया है, हो सकता है मंडे को भी अप ट्रेंड रहे इस शेयर में, क्योंकि इस शेयर में एक खास न्यूज आया है, प्रॉन्स यानी प्रॉज कुछ भी नहीं, कौन सी कौन से है इस शेयर में, जैसे थॉ द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को रिपीट कर रहा है, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, डिविडेंड पे नहीं कर रही है, प्रॉफिट हो रही है, तो ये कौन में नहीं समझा जाए मेरे हिसाब से। तो द कंपनी हैज़ डिलीवरेड ए पुअर सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी पुअर बता रहा है, 0.73% लास्ट 5 ईयर का। प्रमोटर होल्डिंग 29.3%, तो उतना भी लो नहीं है प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 9.05% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, और रिटर्न जो है 9.05% है अंतिम 3 सालों का। पीयर कंपैरिजन, यानी कि इसका सहकर्मी कंपनी बजाज फाइनेंस, बजाज फिंजर, जियो फाइनेंशियल, ओलामैन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, SBI कार्ड्स, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, क्वार्टरली रिजल्ट इस प्रकार है, लास्ट जून 2023 का जो रिजल्ट आया है उसमें 76 लाख का सेल्स है, एक्सपेंस है 37 लाख का, अदर इनकम 3 लाख का है, इंटरेस्ट 8 लाख पेड कर दिया, डिप्रिसिएशन यानी कि घिसाब पिटाव, मतलब कुछ मटेरियल वगैरह जो रहता है घिसता उसता है उसके बारे में, यानी कि ख़राब हो गया उसका भी, तो उसमें 13 लाख का खर्च दिखाया, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21 लाख और नेट प्रॉफिट 15 लाख, क्योंकि टैक्स पेड किया उसके बाद में, और EPS 1 पैसा, तो 1 पैसा ये
पाँच क्वार्टर से दिखा रहा है, उससे पहले दो क्वार्टर 3 पैसा दिखाया, उससे पहले 4 पैसा, तो प्रॉफिट तो कमा रहा है ये, ठीक, ये लॉस मेकिंग तो है नहीं। लेकिन हाँ, बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है इसको, क्योंकि सेल्स भी लाख में ही है क्वार्टरली, और लास्ट 12 मंथ का अगर सेल्स देखते हैं तो 2.63 यानी कि 2,63,00,000 का, एक्सपेंस 1,02,00,000 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,61,00,000 का, अदर इनकम 3,00,000, इंटरेस्ट 33,00,000, डिप्रिसिएशन 44,00,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 87,00,000, नेट प्रॉफिट 60,00,000 का, और ईपीएस 4 पैसा। तो लास्ट 1 ईयर में ये 4 पैसे का ईपीएस बताया, यानी कि 12 मंथ का बताता है। बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल 11,56,500 यानी कि 11,56,00,000 का, रिजर्व 3,07,00,000, ब्रोइंग 3,95,00,000 यानी कि ये कर्ज में है कंपनी, अभी ब्रोइंग ज़्यादा है। अदर लाइबिलिटीज 12,00,000 का, इन्वेस्टमेंट 63,00,000 का, और टोटल एसेट 18,70,00,000। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है लेकिन अभी कर्ज में है कंपनी। नेट कैश फ्लो वो भी माइनस में है 7,00,000 का, तो उससे पहले 65,00,000 का था, और उससे पहले कैश फ्लो प्लस में आ गया था 1,09,00,000 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है। जून 2023 का शेयर होल्डिंग पैटर्न 29.31% प्रमोटर के पास में है, डैज के पास में 0.02% और पब्लिक के पास में 70.67% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी कि टोटल शेयर होल्डर्स कितना है, तो 41,540 है जो कि शेयर होल्डर्स है, यानी कि इतना पर्सन के पास में शेयर है टोटली। और ये सितंबर 2022 का है। और इसमें एक न्यूज है, क्या लिखे हुए, इंटीमेशन विथ रिगार्ड्स टू पार्टनर अलायंस एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट किया है किसके साथ, तो बीजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। और डिटेल जानना हो तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ये 23 अगस्त का ही है, उसके बाद में कोई भी न्यूज अभी तो आया नहीं है। तो ये सब देखने के बाद में हमें समझ में आता है आइडिया अनुसार, अब ये 100% सच होगा कि नहीं ये कोई नहीं बता सकता है। तो कुछ समय के लिए कंसोलिडेट मूड में चला है, जिसके वजह से इसमें उछाल आया है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कम पैसे पर ट्रेड भी कर रही है, लेकिन इसको कम नहीं बोला जाएगा क्योंकि बुक वैल्यू 1.27 रुपया है और अभी करेंट प्राइस हो गया है 2.04 रुपया। तो मेरे हिसाब से तो शेयर का रेट बढ़ चुका है,
आगे अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने बुद्धि विवेकानुसार ही इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह मेरा नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाता हूँ नॉलेज पर्पस। धन्यवाद दोस्तों।